अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं इस तरह की मैम 8th क्लास की उर्दू की क्लास इस वक्त मैं ले रही हूँ आपकी। आपके सिलेबस में एक नज़्म है जिसका नाम है हम। अपनी किताबें आप खोलिए, उसमें सफ़ा नंबर 118 निकालिए। यहाँ पे आप देखिए इस नज़्म का उन्वान है हम। इस हम की मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरे साथ किताब में देखिए बगौर हर लफ्ज़ को, ताकि आपको भी ये नज़्म पढ़ने आ जाए। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, के है सारे आलम की जिसमें खपत। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हुए। चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ये लालो गुहर हैं जो बिखरे पड़े, जमीन से भी हैं उनमें अक्सर बड़े। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं वहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिश बाहमी, न इसमें खलल न बेशी कमी। है इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। आपने देखा ये नज़्म जिसमें के अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ की गई है। हम ऐसी ही नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो, उससे मोहब्बत का इजहार हो, उसकी बड़ाई उसकी कुदरत को बयान किया जाए। इस नज़्म के शायर हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी के बारे में मुख्तसर मैं कुछ बता रही हूँ बातें आपको। पहली बात तो यह है कि इन्हें बच्चों का शायर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो शायरी की है वो बच्चों के जो दिलचस्पियाँ होती हैं, शौक़ होते हैं, उनके मशागिल होते हैं, उनके हवाले से इन्होंने नज़में लिखी हैं, जो कि अक्सर स्कूलों की जो उर्दू की दर्सी किताबें होती हैं, निसाब की किताबें होती हैं, उसमें छपती रहती हैं। इसके अलावा इन्होंने हम्द भी लिखी हैं, नात भी लिखी है। यहाँ इस हम्द में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। यूँ तो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन हर मुसलमान अपनी अपनी सलाहियत, अपनी अपनी जो उसको अल्लाह ताला ने उवर दी है, उसके लिहाज से अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है। यहाँ अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए शायर ने अल्लाह ताला की बनाई हुई, उसकी तख्लीक की हुई एक चीज़ यानी सितारों के ज़रिए अल्लाह की कुदरत को, उसकी बड़ाई को, उसकी अजमत को बयान किया है। जैसे कि आप देखिए पहले शेर को बगौर देखिए दोबारा। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। यहाँ इस शेर में शायर सबसे पहले ये बता रहे हैं कि इस पूरी कायनात में जो हस्ती हमेशा से है और हमेशा रहेगी और जिसकी वजह से बाकी तमाम अशिया वजूद में आई हैं, वो अल्लाह ताला है। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं होता तो ना ये कायनात होती, ना ये ज़मीन आसमान होते, ना कोई और चीज़ यहाँ हो सकती थी। अगला शेर देखिए। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। तसव्वुर के मायने हैं ख्याल, यानी अल्लाह ताला के की ज़ात को अपने ख्याल में लाना, अपने जहन में लाना। शायर कहते हैं कि ये काम महाल है, महाल है यानी मुश्किल है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सकें कि वो कैसा है, उसका क्या जो है वो सरापा है, किस तरह की उसकी शक्ल सूरत है, हम इस बारे में किसी भी तरह से नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते। ये किसे ये सकत, सकत यानी कि ताकत नहीं है, ये कुव्वत नहीं है, कोई ये नहीं समझ सकता, और ना ही ये मजाल हो सकती है, यानी ये इस बात की कोई हिम्मत कर सकता है, कोई जरूरत कर सकता है कि ये वो इस बारे में कोई एक लफ्ज भी कह सके कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, उसका सरापा ऐसा है, ये हो नहीं सकता। बनाई है तूने ये क्या खूब छत,
कि है सारे आलम की जिसमें खपत। अब शायर अपने असल उस मौजू की तरफ आते हैं जिसके जरिए उन्होंने अलग अलग की तारीफ बयान की है, कि यानी वो आसमान का जिक्र करते हैं। आसमान को उन्होंने इस शेर में छत कहा है कि ये आसमान एक छत की तरह हमारे ऊपर कायम है, हमें नजर आता है और बड़ा ही अजीब व गरीब है। यानी इसके बारे में ही हम नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला के बारे में समझना तो बहुत बड़ी बात है कि ये आसमान कैसे बनाया, किस तरह बनाया, ये कितना बड़ा है, इसकी यहदें इसकी कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ ख़त्म हो रही हैं, हम नहीं जान सकते। और कि है सारे आलम की इसमें खपत। आलम कहते हैं दुनिया को, जहान को। खपत के मायने हैं कि इस्तेमाल में आ जाना, समा जाना। तो पूरी दुनिया, पूरा आलम, पूरा जहान इस आसमान के नीचे है। जो कुछ भी है वो इस आसमान के अंदर अंदर है, इसके इसके नीचे है। फिर अगला शेर देखिए, ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हैं। अब शायद इस आसमान पे नजर आने वाले उन सितारों की बात करते हैं जो कि कभी नजर आते हैं, कभी नजर नहीं आते। यानी दिन होता है तो छुप जाते हैं, हमें नजर नहीं आते। रात होती है तो जगमगाते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, इनकी चमक इनके अंदर होती है, ये जगमगाते हैं, इनकी वजह से आसमान रोशन होता है। इनके बारे में शायर अगले शेर में कहते हैं कि चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल ही, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल। चराग एक जैसे दिया होता है जिसको कि रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर चराग जलाने के लिए उसमें किसी ना किसी तरह का तेल डाला जाता है, कोई ईंधन इस्तेमाल होता है तो वो चराग जलता है। मगर ये चराग के शायर ने सितारों को चराग से तशबीह दी है, मिसाल दी है। वो कहते हैं कि ये ऐसे चराग हैं, ऐसे दिए हैं कि जो बग़ैर किसी तेल के, बग़ैर किसी ईंधन के, बग़ैर किसी नज़र आने वाली तवानाई के ही रोशन होते हैं, तो बखुद रोशन होते हैं। दरअसल ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं, कि असल में ये अल्लाह ताला की कुदरत है, उसकी तख्लीक है, उसकी कहना चाहिए कि सलाहियत है, उसका हुक्म है, कि बस उसका एक हुक्म ही काफ़ी है कि जिनके वाय से सितारे वजूद में भी आ गए और ये अपने वक्त पे रोशन भी होते हैं, नज़र भी आते हैं, अपनी रोशनी फैलाते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से होता है। अगर अल्लाह ताला की कुदरत ना हो तो ये सितारे भी हमें नज़र नहीं आ सकते। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे हुए, जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। अब इन सितारों के बारे में शायर इनको तशबीह दे रहे हैं लाल और गोहर से। लाल असल में एक कीमती पत्थर का नाम है, बहुत कीमती, जिस तरह हीरा होता है, जिस तरह जमरूद होता है, इस तरह लाल भी एक पत्थर होता है। जो बिखरे पड़े ज़मीन से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। लाल एक कीमती पत्थर को कहते हैं, जिस तरह हीरा होता है, जमरूद वगैरह, इस तरह से लाल एक पत्थर का नाम है। गोहर कहते हैं सच्चे मोती को। शायर ने तशबीह दी है इन सितारों को लाल से और गोहर से, यानी ये कीमती पत्थर हैं, सच्चे मोतियों की तरह से हैं, आसमान पे जगह जगह ये बिखरे हुए नज़र आते हैं। अगरचे ये हमें देखने में बहुत नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से सितारे नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। हकीकत ये है कि ये सितारे बहुत बड़े हैं, वसी व अरीज़ हैं, बल्कि इतने कि ज़मीन से भी अक्सर इनमें से ज़्यादा बड़े हैं। इनकी जो लंबाई चौड़ाई है या जो इनकी इनका रकबा है वो ज़मीन से कहीं ज़्यादा बड़ा है, मगर ये अल्लाह की कुदरत है कि ये हमें इतने छोटे नज़र आते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि ये ज़मीन से इतने ज़्यादा फासले पर हैं कि हम तक इनकी रोशनी जो पहुँचती है वो कई सालों में पहुँचती है, और हमें उस लिहाज से ये बहुत ही छोटे से नज़र आते हैं। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि ये जो सितारे हैं, इनका कायम होना, इनका वजूद में आना, इनका अपनी जगह पर जगमगाना, ये सारी दरअसल जो इसमें कारफरमाई है वो अल्लाह ताला की कुदरत की है। अल्लाह ताला की कुदरत है जिसने कि जिसकी वजह से ये बने, पैदा हुए, तख्लीक हुए, और उसी की कुदरत के बायस ये रात को हमें जगमगाते हुए नज़र आते हैं। और इनके दरमियान एक रابطہ है, एक ताल्लुक है, ये आपस में बहम यानी एक दूसरे के साथ एक जंजीर से बंधे हुए हैं।
एक ताल्लुक है इनमें, अनदेखा रब्ता है जो हमें नजर नहीं आता, मगर ये सितारे एक दूसरे के साथ एक खास ताल्लुक रखते हैं, जिसके बारे में शायर ने अगले शेर में बताया है हमें कि वो जंजीर क्या है कशिश बहमी, ना उसमें खलल हो ना पेशी कमी। तो अब वो ताल्लुक क्या है, वो नजर आने वाला रब्ता क्या है जिससे ये सितारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो दरअसल कशिश बाहमी है। कशिश कहते हैं एक ऐसी कुव्वत को जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जानब खींचती है। जैसे आपने देखा होगा कि ज़मीन से जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछाली जाती है तो वो वापस ज़मीन ही की तरफ आती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर कशिश सफल है, एक ऐसी कुव्वत है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मैग्नेट यानी मकनातीस जो है वो लोहे को अपनी जानब खींचता है, क्योंकि मैग्नेट में मकनातीस में एक ऐसी ताकत होती है जो लोहे को खींचने का काम करती है। इसी तरह से इन सितारों के दरमियान एक खास कुव्वत है, एक खास ताकत है जो कि इनको आपस में जोड़ के रखती है। ना उसमें खलल हो ना पेशी कमी, कि उसमें कोई खलल यानी रुकावट कोई ऐसा नहीं होता कि कभी तो ये कशिश काम कर रही है और कभी नहीं कर रही। सितारों का अपना निज़ाम है और वो उस निज़ाम के तहत ही हमेशा काम करते रहते हैं, उसमें कोई खलल कोई रुकावट कोई कमी बेशी यानी कि कमी ज़्यादती इजाफा नहीं हो पाता। जैसा अल्लाह चाहता है वैसा ही होता है। जिस सितारे को टूटना होता है अपने वक्त पर वो टूट जाता है, जिस सितारे को जगमगाना होता है वो जगमगाता है। जो अल्लाह का हुक्म होता है असल में वो कुव्वत वो कशिश जिसकी बात कर रहे हैं शायद, वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है जिसके तहत ये काम करते हैं। है इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। अब शायद तमाम बातों को एक मुख्तसर पैराए में अंदाज में बयान करते हैं कि दरअसल इन सितारों का वजूद में आना, रोशन होना, जगमगाना, अपने वक्त पे नज़र आना, फिर छुप जाना, ये सारा काम जो हो रहा है इन सब के पीछे एक आइन है। आइन यानी कानून है, एक दस्तूर है, एक तरीक़े कार है, क्योंकि इनको ईजाद करने वाला यानी इनको बनाने वाला इनको वजूद में लाने वाला एक है, एक इनका खालिक है वो अल्लाह ताला है, और उसने एक आइन के तहत एक दस्तूर के तहत एक निज़ाम के तहत इनको बनाया है। वो निज़ाम उसने एक मरतबा इनको दे दिया है और ये अब उसके मातहत हैं। जो हुक्म अल्लाह का है ये उसके तहत काम करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, ये अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। जैसा अल्लाह ने कहा है, जैसा इनको हुक्म दिया है वो वैसा ही करते हैं। हुनर एक है और उस्ताद एक। हुनर कहते हैं किसी फ़न को, यानी कि कोई काम कोई सलाहियत किसी काम को करने की जो एक अच्छी महारत होती है वो हुनर कहलाती है। और ये जाहिर है कि अल्लाह ताला है, इससे बढ़ के हुनर रखने वाला कोई और हो ही नहीं।